तो नहीं होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बादाम डाल दी है, अभी मैं डाल दी हूँ कोकोनट, पिसा हुआ कोकोनट, देख सकते हैं पिसा हुआ कोकोनट मैंने डाल दिया है। डाल दी हूँ सफेद तिल। क्या बना रहे हैं, बनी रही है मेरी ब्लाउज पे, क्यों हूँ क्या आटे से मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मिठाई, तो बनी रही है मेरे ब्लॉग्स पे। तो मैं कैसे करके बना रही हूँ, तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा ऑयल, तो ऑयल डाल के अच्छे से मैं मिक्स करने वाली हूँ, तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग नहीं। अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल। होली में क्या बनाएं, तो खरीदने में बहुत ही पैसे जाते हैं, तो मैं घर में बना रही हूँ मिठाई, तो बनी रही है होली स्पेशल मिठाई देखने के लिए दिल थाम के। ऑयल में भून लिया है अच्छे से, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी को मैंने डाल दी है अच्छे से भून लिए। मैंने काट ली है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, बन गई है मेरी ब्लॉग, देख सकते हैं कितनी स्पेशल बनी है, पीछे की बटन भी दिख रही है। ओह माय गॉड, वाओ।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ने। चुकी है रेडी मेरी गेहूं की आटे से, तो मैंने क्या बनाई है तो देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रंची, खाने में भी कितना मजा आएगा। तो आप लोग लंबे सफर में जाते हैं तो ऐसे बना के ले जा सकते हैं। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं लूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। सकते हैं मैंने बनाई है इससे भी, तो आप लोग कहीं लंबे सफर में जाते हैं तो ऐसे बना के ले जा सकते हैं। ये पेट भी खराब नहीं होता है, इसमें गेहूं के आटे से बनी है, मैदे के आटे से तो पेट खराब होता है, हजम होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग ऐसे करके 15-20 दिन तक रख के खा सकते हैं। लंबे सफर में जाते हैं तो ऐसे बना के ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा, अच्छे लगे तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर करना सब्सक्राइब और भर भर के गाली तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो टाटा।